नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, वेबिनार को भी किया संबोधित। कबाड़ होगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, टैक्स में 50% की छूट, यूपी में स्क्रैप पॉलिसी मंजूर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले, भारत ने कोरोना महामारी के दौरान की थी 150 देशों की मदद, भेजी थी दवाइयां। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता आज ईडी के सामने होगी पेश, घर के बाहर जुटे कार्यकर्ता। आज गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना और केरल का करेंगे दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने की राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग। मोटे अनाज का विश्व गुरु बन सकता है भारत, दिल्ली में 3 से 5 नवंबर को होगा वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन। 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए सपा ने बनाई खास रणनीति, यूपी के साथ गुजरात और पश्चिम बंगाल पर भी नजर। प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा विदेशी मां का पुत्र देशभक्त नहीं हो सकता। सऊदी में रमजान पर नहीं बजेगा लाउडस्पीकर, बरेली में शुरू होने लगा विरोध। कल ईडी की रेड, आज सीबीआई का समन, तेजस्वी से होगी पूछताछ। तिहाड़ से मनीष सिसोदिया का बीजेपी को बड़ा संदेश, कहा जेल में डालकर मेरे हौसले नहीं तोड़ सकती। लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई से भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा अब पानी सिर के ऊपर चला गया। गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी, जयपुर में किया जोरदार प्रदर्शन। बजट वेबिनार में बोले पीएम मोदी, कहा कौशल में जितना अव्वल होगा उतनी मिलेगी सफलता। होली के बाद 15 रुपए सस्ता हो गया सोयाबीन रिफाइन तेल। ईडी कार्रवाई को लेकर बोले संजय राउत, कहा 2024 के बाद जनता इन्हें सड़कों पर उतार देगी। यूपी में नाबालिग बच्चों के बाइक चलाने पर कटेगा 27,000 का चालान, नियम लागू। ईडी सीबीआई की रेड को लेकर बोले केजरीवाल, कहा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्लान बना रही बीजेपी। सुशील मोदी ने लालू परिवार पर साधा निशाना, बोले कोई नहीं बचा सकता। लखनऊ में डराने लगा इन्फ्लुएंजा वायरस, 30% सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा एक बार फिर करेगी बड़ी छटनी, 11,000 कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी। ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर बोले अखिलेश यादव, कहा कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है बीजेपी। 2014 के बाद से भारत अमेरिका के बीच व्यापार 2 गुना, 2022 में 191 अरब डॉलर को पार किया। चाइना के नए प्रधानमंत्री होंगे ली कियांग, राष्ट्रपति जिनपिंग के हैं बेहद करीबी। होली के बाद बढ़ा कोरोना का खतरा, बीते 24 घंटे में 456 नए मामले, एक की मौत। सीबीआई की रेड को लेकर कांग्रेस ने हिटलर और स्टालिन से की पीएम मोदी की तुलना। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।